नमस्कार, मैं प्रीति यादव रेसिपी जरीना .in में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिठाइयाँ तो सभी को बहुत पसंद होती हैं, तो आज हम काजू पनीर बर्फी बनाएंगे और मेरे पति को तो मिठाई को ज्यादा ही पसंद है। हो सकता है आप सबके हस्बैंड्स को भी मिठाइयाँ बहुत पसंद हो, तो आज जब वो ऑफिस से आए उससे पहले आप ये बर्फी बना लें और ऑफिस से आने के बाद उन्हें आप ये बर्फी खाने के लिए दें। मेरा दावा है कि वो आपसे जरूर खुश हो जाएंगे। तो चलिए आज हम काजू पनीर बर्फी बनाते हैं। काजू पनीर बर्फी बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है, 100 ग्राम काजू और 200 ग्राम दूध लिया है, जिसे हमने 2 घंटे पहले काजुओं को दूध में भिगोकर रख दिया था। 200 ग्राम पनीर लिया है, 10 पिस्ते लिए हैं बर्फी के ऊपर से सजाने के लिए, 2 टेबल स्पून घी और 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 3/4 कप चीनी। काजू पनीर बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार में ये दूध और काजू डाल देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी में से हम पीस लेंगे, काजू और दूध का पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बन चुका है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और पनीर के भी टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम नॉन स्टिक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें घी डाल देंगे। घी को हम मेल्ट हो जाने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हमने काजू चीनी पनीर का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, गाढ़ा होने तक हम इसे चलाएंगे। अब ये मिश्रण जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसमें इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। इसको बाद में मिक्स करेंगे जिससे इलायची पाउडर की खुशबू उसमें बनी रहेगी और फिर इसे मिला लेंगे। अब इसे जमाने के लिए आप एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, थाली हो या कोई भी किनोरे वाली आप बर्तन लेंगे। इसमें हम घी लगा लेंगे पूरे बर्तन पर, हम घी लगा देंगे। घी लगा लेने के बाद हम इस घोल को इसमें पलट लेंगे और किसी भी बर्तन की सहायता से हम इसे एक जैसा कर लेंगे। ये घोल हमने एक जैसा कर लिया है, अब इसके ऊपर से हम पिस्ता डाल देंगे। इन पिस्तों को हम चमचे की सहायता से दबा देंगे जिससे बर्फी में पिस्ते सेट हो जाएंगे। सारे पिस्तों को हम दबा देंगे। पिस्तों को हम दबा लेंगे और पिस्ते सारे दब जाने के बाद इसे हम 3 से 4 घंटे किसी भी ठंडी जगह पर रख देंगे। अब ये बर्फी जमकर सेट हो चुकी है, इसे हम काट लेंगे। जिस भी आकार में आप काटना चाहें उस आकार में आप इसे काट लेंगे। मिठाई को हमने काट लिया है, अब इसके पीसेस हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से आप एक एक पीस करके उसे प्लेट में रखेंगे। ये काजू पनीर बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है, अब आप इसे बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप
काजू पनीर बर्फी की रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लाइक और शेयर बटन की सहायता से आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और आप हमें G+ करना ना भूलें। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स पर क्लिक करें।